हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11 सो फ्रेंड्स आज बहुत बहुत बड़ा मैच है बिटवीन रियल मंडरेड एंड पीएसजी इन द यू चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 सेकंड लेग फर्स्ट लेग में पीएसजी ने वन एल विन पिकअप करी एंड आई वुड से एक डिज़र्व विन थी लाइनल मेसी ने पेनल्टी मिस करी बट किलियन एम्बापे ने इंजरी टाइम विनर स्कोर किया एंड आई वुड से एक डिज़र्व विन पिकअप करी रियाल मंडरेड बहुत ही आई वुड से अनएक्सपेक्टेड और पुअर परफॉर्मेंस था आई थिंक दे वर टू नेगेटिव आई थिंक एंड जो मडरेड के मैनेजर है उनकी टैक्टिक्स थोड़ी उन्होंने गलत एम्प्लॉय uh, करी इन दैट मैच बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मच मच बेटर स्ट्रांगर परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मडरेड अगेंस्ट पी आज के मैच में सो वन निल एग्रीगेट एडवांटेज है पी एस जी की डू रिमेंबर फ्रेंड्स की अवे गोल्स का रूल अब नहीं है सो फॉर एग्जाम्पल अगर uh, आज मडरेड टू वन जीतती है जो मेरा प्रडिक्शन है उस केस में एक्स्ट्रा टाइम पे मैच जाएगा और फिर उसके बाद भी अगर स्कोर्स एग्रीगेट पे सेम रहे तो पेनल्टी शूट आउट पर जाएगा वेरी वेरी डिफिकल्ट मैच टू कॉल एंड आई बेसिकली हैव पिकड आउट पांच फैंटेसी टिप्स नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है इन दिस मैच बट कुछ चीजें हैं जो मे बी आपको मेरे हिसाब से कीप इन माइंड रखनी चाहिए बिफोर यू मेक योर टीम्स बेसिकली दीज आर माई वेरी ब्रीफ थाट्स ऑन रियल मिडेड वर्सेज पी एस जी फ्रॉम अ फैंटेसी परस्पेक्टिव पहले देखते हैं कि प्रॉबेबल लाइनअप क्या होगी दोनों टीम्स की कोटवा होंगे गोलकीपर फॉर मडरेड कारवाहाल मिलिटाओ अलबा और नाचो और मार्सेलो में से एक प्लेयर खेलेंगे लेफ्ट बैक क्योंकि जो ओरिजिनल लेफ्ट बैक है फॉर लार्ड मंडी ही इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच एक और ऑप्शन है क्यासी बहुत बड़े लॉस होंगे वो भी सस्पेंडेड है उनकी जगह फेडे वैल वर्ल्ड एक्सपेक्टेड है खेलेंगे टोनी क्रूज एक इंजरी डाउट है ट्रेनिंग में आ चुके हैं इजी फिट इनफ टू स्टार्ट आई डोंट नो अगर वो नहीं खेलते हैं कामाविंगा जिन्होंने बहुत इंप्रेसिव गोल स्कोर किया था वीकेंड पे ही विल स्टार्ट दिस मैच लुका मॉडरिच विल बी द मेन मैन इन मिडफील्ड फील्ड असेंसियो मोस्टली विल स्टार्ट अनलेस एंटिलोटिक कुछ टैक्टिकल शेकअप करते हैं इन्फॉर्मेशन बेंजमा एंड विनीशियस जूनियर ऑफकोर्स विल बी पार्ट ऑफ द फ्रंट लाइन पी की बात करते हैं डोना रूमा एक्सपेक्टेड हैं गोल होंगे अशरफ अकीमी राइट बैक बहुत सेटल्ड इनकी बैक फोर है विद किम पेम्बे एंड नूनो नूनोमेंडेस पैराडाज आई थिंक इन दोनों में से एक खेलेगा यही एक मिडफील्ड में थोड़ा सा डाउट है अदरवाइज द फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेराटी फ्राम अटैकिंग बॉल प्रोग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू विल डेफिनेटली स्टार्ट मेसी विल स्टार्ट उसके अलावा मेरे को थोड़ा डाउट है बिकॉज अगर लेट्स एम्बापे फिट हैं वो भी एक इंजरी डाउट है बट एक्सपेक्टेशन है कि वो स्टार्ट करेंगे मैच देन आई थिंक उनके साथ ने विल स्टार्ट बट लेट्स अगर एम्बापे नहीं स्टार्ट करते हैं मे बी इस मैच में डी मारिया स्टार्ट कर सकते हैं अलॉन्ग साइड नेमार एंड मेसी अगर एम्बापे फिट है देर इज ऑल्सो अ चांस कि डी मारिया स्टार्ट करें विद एम्बापे एंड मेसी एंड मे बी नेमार कम्स ऑफ द बेंच सो एम्बापे अगर फिट है ऑब्वियसली ऑबियसली स्टार्ट उसके बाद मेसी स्टार्ट मे बी नेमार और डी मारिया का प्रेजेंस डिपेंड्स ऑन एम्बापे का प्रेजेंस इन दिस पर्टिकुलर मैच ना फ्रेंड्स लेट्स गो टू द फर्स्ट यू कैन से पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो की नाचो मार्सेलो मे बी द चिंक इन मड्रिड मड्रेड आर ए टीम आई वुड से जिडान के जो फाइनल मंथस थे उसमें उनका डिफेंसिवली देवर आई आई थिंक डिसेंट इस सीजन डिफेंस उनका बहुत ज्यादा खास नहीं रहा है बहुत बुरा नहीं है बट वो रैंडमली एक गोल कंसीड कर देते हैं कुछ मैच में ज्यादा भी बट स्टिल आई वुड से इस पर्टिकुलर मैच में उनके लिए जो एक वीकनेस है इनके डिफेंस में वो उनकी लेफ्ट बैक पोजीशन है विद या तो नाचो फर्नैंडेस या मार्सेलो जो भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि फोलैंड मेंडी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है नॉट ओनली फ्रॉम अ चांस क्रिएशन एंड इफ ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो ही इज अ डिसेंट डिफेंडर सो थोड़ा इनका जो साइड का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा बिकॉज अगर मार्सेलो खेलते हैं ही इज़ गुड इन अटैक बट वेरी पुअर इन डिफेंस नाउ जबकि नाचो इज़ एक्चुअली अ सेंटर बैक जो राइट बैक सेंट्रल डिफेंडर सब रोल्स में खेल चुके हैं ओवर द ईयर्स ही संबंध जो मोस्ट लाइकली एक डिफेंसिव कवर होएंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव आउटपुट एक्सपेक्ट मत करना सो so, चाहे इनका अटैक हो या इनका डिफेंस हो दे विल बी अ वीकनेस इन द रियल रियाल लेफ़्ट बैक पोजिशन अगर लेट्स फॉर एग्जाम्पल मार्सेलो खेलते हैं तो हम लाइक हकीमी जो तो राइट बैक खेलेंगे लाइक डी मारिया अगर नेमार उस साइड खेलते हैं या एम्बापे दे कैन डेफिनेटली एक्सप्लॉय दैट अगर लेट्स से नाचो फर्नैंडेज़ हैं दैट मीन्स कि उस साइड में बहुत ज़्यादा अटैक फेस नहीं करेगी एंड मे बी आप रियल uh, मड्रिट की दूसरी साइड पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं बिकॉज दैट्स वेर दी अटैक्स विल कम फ्रॉम सो कौन स्टार्ट करता है आई थिंक विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दैट लेफ्ट बैक पोजिशन आई थिंक नाचो का थोड़ा और चांस है नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इज लाइनल मेसी ड्रॉपेबल इन दिस पर्टिकुलर मैच नाउ फ्रेंड्स इस टाइप के मैच में मैंने ओवर द ईयर्स देखा है बहुत टाइम से चैम्पियंस लीग देख रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर मस्ट हैव नहीं है uh, एक्सेप्ट लाइक लाइनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो अपने पीक पे दे आर एब्सोलुटली इंसेन इन दिस कॉम्पिटिशन एंड एवरी मैच बट अब ऑब्वियसली दोनों के थोड़े लेवल ड्रॉप हुआ है और वेरियस रीजन्स ए जा चुकी है मेसी केस के में उन्होंने अपना पूरा करियर बार्सोलोना में निकाला था पी एच जी में उनका जो रोल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है मोर ऑफ अ प्ले मेकर रोल एंड लेस ऑफ अ गोल्ड स्कोर स्टिल आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही इज संबंध जिनका एक नेचुरल लैक है डोर गोल दिस इज अ गाय जो मजाक मजाक में पचास प्लस साठ सत्तर गोल पर सीजन मारता था सो so, इनका गोल आउटपुट Uh, काफी ज्यादा डिप हुआ है इस पर्टिकुलर सीजन सो so, क्या ये इस मैच में परफॉर्म कर सकते हैं क्या आप इनको इस मैच में ड्रॉप कर सकते हैं आई वुड से कि ही इज ड्रॉपेबल ही इस संबंध जिनको आप ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हैं स्पेशली अगर आप मड्रिड को बैक कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर अ बेंजिमा विनीशियस एंड एन एम बापे फ्रंट लाइन बट यू हैव टू रिमेंबर की ही इज लाइनल मेसी और उनका जो रिकॉर्ड है बर्निबाव में इज एब्सोटली इनसेन नाउ ही इज नॉट द सेम प्लेयर बट रियाल मड्रिड के अगेंस्ट सैट बर्निबाव में इनसे अच्छा किसी का रिकॉर्ड नहीं है इन द हिस्ट्री एक अपोजिशन प्लेयर का आई मीन नाइनटीन मैचेस फिफ्टीन गोल्स एंड एट असि जब भी यहाँ पे खेलते थे ऑन एन एवरेज एटलीस्ट वन गोल और एन असि अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑन द प्लैनिट सो यू कैन ड्रॉप हिम बट ही इज ऑल्सो सम्बंध जो आपको हर्ट कर सकता है नाउ लाइक द फर्स्ट लेग जैसे मैंने आपको मैंशन किया था कि आई वुड नॉट बी सरप्राइज लेट से एक वन नील 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 वन वन स्कोर लाइन हो इसमें भी आई डोंट एक्सपेक्ट टू मैनी गोल्स आई थिंक थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग की बहुत ज्यादा होंगे आई कॉन्ट सी लाइक like मैच जिसमें कोई थ्री वन फोर थ्री इस टाइप से स्कोर लाइन होगा आई जस्ट फील की रियाल मटरेड आर टीम जो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा भी बोलिस्टिक नहीं होंगे फॉर अ गोल एक गोल का डेफिसिट है उनको पता है 90 मिनट्स है उनके पास टू स्कोर दैट गोल उनको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अवे गोल्स इस मैच में काउंट नहीं करते हैं सो दे डोंट उनको बहुत ज़्यादा आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम में ले जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी नॉर्मली क्या होता है सेकेंड लेग में जो होम टीम होती है वो ट्राई करती है कि एक्स्ट्रा टाइम में मैच नहीं जाए बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम में अगर ऑपोजिशन ने गोल स्कोर करा तो अवे गोल के चक्कर में उन्हें दो स्कोर करने पड़ेंगे बट विद नो अवे गोल्स ओनली हैव टू स्कोर वन गोल डिफेंड प्रॉपरली एंड उसके बाद दे कैन टेक दैट स्कोर लाइन सो आई थिंक पी एच डी विल बी प्लेइंग ऑन द काउंटर अटैक आई थिंक मडरेड बहुत ज्यादा पुश नहीं करेगी मे बी लो स्कोरिंग मैच बाई लो स्कोरिंग आई मीन दो से तीन गोल से ज्यादा मे बी आप शायद एक्सपेक्ट ना करें इन दिस पर्टिकुलर मैच फ्रेंड्स बिकॉज मैंने लिखा है डोंट रूल आउट कामाविंगा वेलवर्ड ए ना आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस विल पिक काम मे बी पाराडाइज डानीलो इस टाइप के प्लेयर इन आर मिड फील्ड मोस्ट ऑफ अस आई थिंक हम जाएंगे विद प्लेयर्स लाइक मॉडरेज प्लेयर लाइक डिमारिया ने वेराटी एटसेट्रा एटसेट्रा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कामाविंगा जैसे प्लेयर को या वेलवर्डे जैसे प्लेयर को आप रूल आउट मत करिए बिकॉज एक क्रिएटर है मॉड्रिज की मिडफील्ड में देर इज नो काशिमीरो जो ऑबियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली क्रूज़ का 50 50 है एनी वेज ही इज नॉट वेरी फिट सो लूका मॉडरेज इज दी ओनली वन उनके ऊपर बहुत सारा फोकस होगा उनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, होगी टू क्रिएट फॉर द फ्रंट टू थ्री प्लेयर्स सो ये जो प्लेयर हैं uh, जो जो सी डी एम्स हैं जो सेंट्रल डिफेंस मिडफील्ड पी एच जी के वो काफ़ी फोकस करेंगे मंजिमा पे मॉडरेज पे एंड इतना शायद फोकस ना करें ऑन प्लेस लाइक कामाविंगा वेलवर्डे डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट कि समन लाइक कामाविंगा को ज्यादा स्पेस मिलेगा टू ऑपरेट एज कम्पेयर टू समन लाइक लूका मॉडरिज सो इन्होंने गोल स्कोर किया था लास्ट वीक कॉन्फिडेंस हाई होगा वेलवर्डे की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है सो मे बी अगर आप इन दोनों में से किस पर पंट लें मे बी कामाविंगा अगर स्टार्ट करते हैं उन पर पंट लें इज नॉट अ बैड ऑप्शन सर्टनली ये इग्नोर्ड प्लेयर्स होंगे एज कम्पेयर टू योर मॉडरिचेज यूर विनीशियस जूनियर्स यूर बेंजमाज एंड आई फील ये उसका थोड़ा सा फायदा उठा के एक्सप्लॉयड कर सकते हैं सो डोंट डू अलॉट प्लेयर्स ये लो ओनरशिप प्लेयर्स आपकी टीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्पीकिंग ऑफ अनदर लो ओनरशिप प्लेयर चाहे वो स्टार्ट करें या चाहे वो ऑफ द बेंच फीचर करें इज एंग डी मारिया आप में से शायद ज़्यादा लोगों को याद नहीं होगा कि 2014 फोर्टीन चैंपियंस लीग फाइनल में डी मारिया वॉज़ द मैन ऑफ द मैच इसमें रियाल मड्रिड जीती थी इसमें डी मारिया ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस किया था ये एक फॉर्मर रियाल मड्रिड प्लेयर हैं ही इस संबंध जिन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेज दिए थे ही इस संबंध जिन्होंने बेंजमा रोनाल्डो के लिए सप्लाई लाइन्स काफ़ी अच्छे से खोली हुई थी बट उस समर में क्या था वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप में क्या हुआ हामिश रोड्रीगेज वॉज वेरी वेरी इंप्रेसिव उसके बाद मड्रिड बॉट हामिस् रोड्रीगज़ डी मारिया ने देखा कि उनकी प्लेस को अंडर थ्रेड आ सकती है सो ही लेफ्ट द क्लब ही वेंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड हामिस के केम टू रियल मंडरेड जहां आप कह सकते हैं ही वॉज नॉट अ बिग सक्सेस फॉर श्योर सो डी मारिया को मेरे ख्याल से डेफिनेटली मिस किया है थोड़ा बहुत मड्रेड ने ओवर द ईयर्स लाइक अ अड ऑफ चैंपियंस लीग्स बट ही इज संबंध हु इज इनक्रेडिबल ही इज जो थोड़ा सा आई थिंक बैड ब्लड है विद मड्रिड बिकॉज ही लेफ्ट ऑन बैड टर्म्स सो आई थिंक ही इज संबंध जो पम्पड अप होंगे फॉर दिस मैच ही इज संबंध जो बोर्ड निभाव पे बहुत खेले हुए हैं ही संबंध जो आई थिंक इस मैच में काफी ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं सो वॉच आउट फॉर एंगल डी मारिया इनकी ओनरशिप माइट नॉट बी एज हाई एज मेसी नेमार एंड एम्बापे संबंध जो बिग ओकेजन पे कई बार राइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोपा अमेरिका फाइनल ही स्कोर्ड द द विनर सो ये थे मेरे कुछ ब्रीफ ऑन टॉप ऑफ माई हेड फॉर मंड्रेड वर्स टी विल बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मैच इस टाइप के मैच में मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए मोर ऑफ अ मैच जिसमें आप अपने गट पर खेलेंगे एंड क्योंकि इतने स्किलफुल प्लेयर्स हैं दोनों टीम्स में टैक्टिक्स एक पॉइंट तक काम आती हैं बिकॉज कोई भी प्लेयर कभी भी एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस कर सकता है सो so, टेलीग्राम चैनल पे ऑफ कोर्स आपको मिलेंगी इस मैच की टीम्स फॉलो अस ऑन टी डॉटेमी स्लैश फैंटेसी स्काउट इलेवन फुटबॉल हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदरवाइज फ्रेंड्स थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून जी गाइज